नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर कई जिलों में धोखाधड़ी कर लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपी को रायपुरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। दरअसल फरियादी हरीश मकवाना निवासी रायपुरिया ने थाने पर मंदसौर निवासी कैलाश पोरवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उक्त आरोपी द्वारा कई लोगों के साथ लोन दिलाने और नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी की गई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उक्त मामले को विवेचना में लिया। कई अलग अलग मामलों में आरोपी द्वारा लोगों से ठगी की गई थी, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी से 50,000 रुपए नकदी और नकली प्रेस आईडी कार्ड सहित कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया है। पेटलावत से केकेआर न्यूज के लिए नीलेश सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश डामोर। क्या घटना हुई? मेरे साथ घटना ये हुई सर, क्योंकि मैं यहाँ रायपुर में आता जाता रहता हूँ, लेकिन इन्होंने एक बार मेरे से मिल लिया तो बोला कि लोन करवाना, मैंने हाँ करवा लेंगे। तो फिर वहाँ मिला मैं, और इन्होंने मेरे से बोला भाई 10 लाख का लोन, लेकिन कैसे देगा, तुम्हारा खाता नंबर और आईडी कार्ड आधार कार्ड ये लगेगा आपका। ठीक है, ये दिए हमने। उसके बाद इन्हें फॉर्म वॉर्म कम्प्लीट करके हमारे से 10,000 रुपये ले लिए। उसके अलावा दो आदमी और भी है इसमें, इसने एक को नौकरी के लिए लिए, एक उससे 130,000 रुपये लिए, उसके खर्चा में 40,000 उसके हो गए, और 1,51,000 दूसरा भी मांग रहा था ये, वो नहीं दे पाए, क्योंकि उसके बाद हमको पता पड़ गया तो रायपुर थाने में सूचना दे दी। क्या नाम है साहब? कैलाश परवाल। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे पास लोन कराने के चक्कर में 5,000 रुपये लिए थे। किसके द्वारा लिए गए? ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन कराने के लिए लिए थे उनने। क्या नाम है जिसने पैसा लिया? कैलाश परवाल। कहाँ का है ये? मंदसौर का बता रहा था हमको। कितने समय से जानते हैं आप इनको? ये अभी 8-15 दिन से आया है यहाँ। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल पाटीदार। कहाँ रहते हो? रायपुरिया। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? रायपुरिया थाने में। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। ये कैलाश परवाल मेरे पास 27 तारीख को आया था मकान किराया के लिए। मैंने मकान किराया दिया इनको, उसके बाद क्या है कि इन लोगों ने धंधा चालू कर दिया लोन के लिए। तो लोन के लिए मेरे पास भी 10,000 रुपये लिए, लोन अभी तक हुआ नहीं, और ये लोग भागने वाले थे। इसके पहले मालूम पड़ गए, पुलिस वाले लेके आ गए। और दिनांक 10/5/2023 को फरियादी हरीश पिता बाबूलाल मकवाना द्वारा रिपोर्ट की गई थाने पर कि एक व्यक्ति ने उनके उनसे लोन दिलाने के नाम से 10,000 रुपये ले लिए हैं। तो उनकी रिपोर्ट पर थाना रायपुरिया में 420 का मामला कायम किया गया। इसी के दौरान रायपुरिया कस्बे के अन्य लोगों के द्वारा भी शिकायत की गई कि उनसे भी कैलाश पोरवाल द्वारा नौकरी एवं लोन दिलाने के नाम से पैसे लिए गए हैं, लाखों रुपए ले लिए गए हैं। इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिनके द्वारा एक टीम बनाई गई, और उसके दौरान भागने से पहले आरोपी को बस स्टैंड रायपुरिया से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 50,000 रुपये नकली सील एवं स्टाम्प वगैरह जब्त किए गए। पत्रकारिता से जुड़े भी कुछ फर्जी कार्ड भी मिले हैं? हाँ, पत्रकारिता के 2-3 आई कार्ड थे उसके पास, एवं माइक और कैमरा भी उससे जब्त किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।